Hey guys, welcome back to my channel, and in this video you're all going to learn how to find complementary angles. But before that, we will see what exactly are complementary angles. So complementary angles are the angles whose sum is 90 degree. So guys, आपको complementary angle में एक चीज याद रखनी है कि ऐसे दो एंगल्स जब उनको हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम है या उनका जो एडिशन है वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी दो एंगल्स आप ले लो, फर्स्ट से एंगल ए और एंगल बी। सो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन हेयर? सो द नेसेसरी कंडीशन हेयर इज दैट जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों एंगल्स को, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री आना चाहिए। सो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दैट एनी टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, देन वी कैन कॉल दोज एंगल्स एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो गाइज, दिस वॉज दैट वॉट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ वी विल सी व्हेन जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। सो आई एम गोना टेक वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सो यहां पर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, फॉर से इफ वन ऑफ द एंगल इज 38 डिग्री, लेट्स से फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो गाइज, यहां पर यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ ही एंगल्स हो सकते हैं। सी, आपको बोला गया है कि दो सम, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। ओके, सो एंगल स्टार्ट कहाँ से होते हैं? दे स्टार्टेड फ्रॉम डिग्री वन, 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक स्टार्ट होते हैं। तो उसके बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं ना, उन सबका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल लिख दिया, राइट? सो यहाँ पे आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो फर्स्ट आप लिखेंगे कि वन ऑफ द एंगल इज 38 डिग्री। आपको एक एंगल दिया हुआ है, अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। मतलब आपको एक ऐसा एंगल निकालना है जिसको जब हम 38 से ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो जो एंगल आपको फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने एंगल्स लिखा है, यहाँ पे एंगल होना चाहिए। तो जो दूसरा एंगल है, यू डोंट नो, आपको उसी एंगल को फाइंड करना है। तो अब हम क्या करें, उस एंगल को कुछ मान लेते हैं। सो लेट दी अदर एंगल बी एक्स डिग्री। तो जो दूसरा एंगल है मुझे उसके बारे में नहीं पता है वो क्या होगा। तो अभी हमने उसको एक्स मान लिया है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू एंगल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री? तो हम क्या करेंगे, दो एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 38 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 90। जब वो 90 होंगे तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर आपको एक्स फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू, अब 90 है विच इज अ कॉन्स्टेंट, राइट? और 38 इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। तो हम 38 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये -38 हो जाएगा, -38 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड 8 - 3 इज 5। सो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 38 डिग्री इज 52 डिग्री। तो आपने देखा हाउ इजी इट इज टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इज इन अनदर वे। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था, जहां पे मैंने बस बोला कि देयर इज वन एंगल व्हिच इज दिस, सो यू हैव टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यू कुड बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, आपको ये सेम क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, या थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रूल। व्हाट द रूल सेज, व्हेन टू एंगल्स गेट एडेड एंड इफ देयर सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, then we can call those angles as complementary angles. So you have to remember this point only. So guys, that's it for today's video. I hope you understand today's concept very well. For more such video, please subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.